हम खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते, हम खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ते। अंजाम तक हर खबर का पीछा करता है एबीपी न्यूज। उत्तर प्रदेश की तीन तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जो देश को बता रही हैं कि वोट लेकर सत्ता में आने के बाद जनता के दर्द को कैसे दरकिनार कर देती हैं सरकारें। पहली अहम खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट से आई है। हाईकोर्ट ने एक बार फिर योगी सरकार को लताड़ा है। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 72,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के 9वें बैच में सेलेक्ट हुए 803 सहायक शिक्षकों को ट्रेनिंग पूरी करने के बावजूद नौकरी न देने पर नाराजगी जाहिर की है। फौरन नियुक्ति पत्र दिए जाने का आदेश देते हुए पूरी प्रक्रिया हर हाल में 6 हफ्ते में पूरी करने का आदेश दिया है। अपना हक मांग रहे 803 युवाओं की तरफ से याचिका सिंगल बेंच में दी गई थी। दूसरी तस्वीर 17 अप्रैल की है। लखनऊ में जूनियर हाई स्कूल अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर 17,000 रुपए करने का फैसला खुद योगी सरकार ने साल भर पहले लिया। केंद्र अपने हिस्से का पैसा भी दे चुका है, लेकिन जब योगी सरकार को उसका वादा याद दिलाने के लिए ये अंशकालिक अनुदेशक बीजेपी दफ्तर के सामने पहुंचे तो मदद के बजाय पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। जो लोग सरकारी शिक्षा को बेहतर बना सकते हैं, होनहारों को सही रास्ता दिखा सकते हैं, उनके साथ सरकार का ये सलूक बेहद शर्मनाक है। तीसरी तस्वीर यूपी के 32,022 बीपीएड डिग्रीधारी बेरोजगारों की है, जिनकी हर परेशानी 26 मार्च को घंटी बजाओ में देश ने देखी थी। घंटी की आवाज से तब योगी सरकार की नींद टूटी, एक्शन का दावा हुआ, आला अधिकारियों ने बैठक की, फाइल आखिरी मुहर के लिए सीएम योगी तक भी पहुंच गई और तो और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी 2 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को कह दिया। लेकिन योगी सरकार की मनमानी देखिए, मामला फिर अटका दिया है और 32,022 युवाओं के पास सिवाय इंतजार के फिलहाल दूसरा रास्ता नहीं बचा है। हर खबर की लेंगे खबर मास्टर स्ट्रोक में रात 9 बजे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।